नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय ज़ारा फड्डा पे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है आज का अपना सेशन होने वाला है। गाइस सभी को पता है कि हमारा जो EMRS के जो एग्ज़ाम डेट्स हैं, आप लोगों को पता भी चल गया होगा, ऑलरेडी अनाउंस्ड हो गई हैं। ऑल दो क्या नाम है, जो EMRS की जो ऑफिशियल है वहाँ पे थोड़ा सा जानकारी नहीं मिल पाई है, बट आप लोगों ने वो नोटिस पढ़ा होगा, मैंने भी उसको पढ़ा। वहाँ पे सर दिया गया जो KVS की तरफ से जारी हुआ है कि सर हमारे जो जो सारे के सारे जो KVS है वहाँ पे ये चार डेट्स हैं, 16, 17, 23 और 24 दिसंबर, इन डेट्स पे अपना जो एग्ज़ाम है वो कोई और एग्ज़ाम जो है वो नहीं कंडक्ट करवाया जाए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है सर EMRS का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होने वाला है। तो मान के चलें कि सर एक महीना हमारे पास बचा है, 30 दिन मुश्किल से हमारे पास है, 5 दिन दिवाली के हटा लेते हैं, एक दो दिन और हटा लेते हैं, 30 दिन की स्ट्रैटेजी सर हमारी क्या होनी चाहिए वो आज अपन करने वाले डिस्कस। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो ध्यान रखना है सर, टीचर स्पॉटलाइट नाम का चैनल है, जाना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। सर पूरा EMRS का जो सीरीज है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, पूरा का पूरा जो जनरल पेपर है, चाहे आपका जर्नल अवेयरनेस हो गया, चाहे आपका रीजनिंग हो गया, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड, ICT, इंग्लिश आपका हो गया, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड चाहे आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो जाती है जिसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत बनी हुई है, पूरा का पूरा जो है डेटा, पूरा कंटेंट जो है आपको अपने इस चैनल पर मिल जाएगा। तो जाना है सर, सब्सक्राइब करना है, और सर मिल तो जाएगा साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। चलिए दैट्स ग्रेट। तो करने वाले हैं सर अपन सबसे पहले तो कि सर आज का जो टॉपिक है सर उस पर बात करते हैं। EMRS के एग्जाम डेट है सर, जो पता है सर 16, 17, 23 और 24 दिसंबर को हमारी एग्जाम डेट है। अब उसमें थोड़ा सा हमें देखने की जरूरत है कि सर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। गाइज मैंने आपको पहले ही पता बोला है कि सर जर्नल जो हमारा पेपर है, चाहे आपका टीचिंग एग्जाम है, चाहे आपका नॉन टीचिंग एग्जाम है, उसके लिए थोड़ा सा क्या है सर इंपॉर्टेंट बन जाता है ना। दोनों में आपका जर्नल अवेयरनेस आएगा, चाहे आपका रीजनिंग का पार्ट हो गया, चाहे आपका जर्नल अवेयरनेस हो गया, जर्नल पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले सर उस पर आपको फोकस रखना है, और साथ में सर आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न पेपर है, अगर आप TGT और PGT लिए या टीचिंग पोस्ट के लिए अगर मैं बोलूँ आपने अप्लाई किया है, तो फोकस हमारा हमें जो सब्जेक्ट कंसर्न पेपर है सर उसमें भी रखना है। बट जो जनरल जो आपका पेपर होता है ना, बट जो आपका जर्नल पेपर होता है सर, उसमें हमें थोड़ा सा देखना है कि सर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो क्या करना है सर, जर्नल पेपर सिलेबस आप कवर करिए फटाफट। सिलेबस अगर कवर करने का टाइम नहीं है, अगर अभी भी अपन नहीं जागे हैं, तो क्या करना है सर, सीरीज मैंने ऑलरेडी जर्नल अवेयरनेस की चला रखी है 1500 क्वेश्चन की, जाना है, वॉच करना है डेली 15 से 20 क्वेश्चन, मतलब उसको ऑलरेडी अपन बढ़ाने वाले हैं जल्दी। तो पूरे 1500 क्वेश्चन सर अपन करने वाले हैं, साथ में सर NEP अपन डिस्कस कर रहे हैं, है ना, और बाकी के जो भी हमारे रिलेवेंट चीज़ें हैं, रिलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके जर्नल पेपर के, वो पूरा का पूरा जो है आपका अपना आपके इस चैनल पे टीचर्स स्पॉटलाइट बाय ज़ारा फड्डा पे चल ही रहा है, ठीक है जी, है ना। तो करना क्या नहीं है सर, ये तो बता दिया आपने, क्या करना है, क्या नहीं करें, टाइम वेस्ट नहीं करना है सबसे पहली तो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, क्योंकि एक महीने का हमारे पास समय है, उसमें हमारा सिलेबस कवर करना है, है ना, और बहुत सारी चीज़ें करने को। साथ में आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न पेपर है, जो आपका मेन जो पेपर है, उस पर भी फोकस रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ाना तो आपको वही है, तो उस पर भी अपना फोकस होना चाहिए, साथ में ये तो हमारा है ही, ठीक है जी। और सर क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सर आपको क्या लगाने हैं सो दैट आप अपनी जो एफिशिएंसी है उसको थोड़ा सा बढ़ा पाए, ठीक है जी। जर्नल पेपर के बारे में आपको बता देता हूँ कि सर हमारा GA है, चाहे हमारा TGT हो गया, चाहे हमारा PGT एग्जाम हो गया, मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आता हूँ, सभी को पता है सर। साथ में सर हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रचना मैम आपके लिए क्लासेस लेके आ रही हैं ऑलरेडी टीचिंग एप्टीट्यूड की, सर ICT बहुत जल्दी मैं ही लेके आऊँगा, सर रीजनिंग जो है सर अभिषेक सर क्लासेस लेके आ रहे हैं आपके लिए रीजनिंग और मैथ्स की, साथ में सर NEP मैं लेके आपके लिए आ रहा हूँ, है ना। सर इंग्लिश के लिए आप सभी को पता है कैरल मैम है ऑलरेडी, ठीक है। एंड सर हमारा जो सब्जेक्ट कंसर्न पेपर हो गया उसके, तो इतने सारे जो एजुकेटर्स हैं गाइज, आप सभी के लिए इतनी प्लानिंग कर रहे हैं, इतना बढ़िया तरह, अब आपकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है थोड़ा सा पढ़ने की, है ना, क्योंकि हम तो हमारी तरफ से करवा रहे हैं, बट आप अगर करने चाहते हैं, क्योंकि गाइज ये जो साल है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, बिकॉज इतना चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, और 38,000 से ज़्यादा
अगर नॉन टीचिंग हटा दे फिर भी हमारे टीजीटी पीजीटी के मिला के 10,500-11,000 पोस्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट सर हमारे पास बिहार शिक्षक भर्ती है, फिर थोड़े अभी DSSS भी आ जाएगा, है ना। तो इतनी सारी टीचिंग वैकेंसी है टिल जनवरी, केवल इन 1-2 महीने में बताऊं तो बहुत जो है आपके लिए खास होने वाला है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको नहीं हमें खोना है, और एक हमें सरकारी स्कूल की जो सरकारी टीचर बनने का जो सपना है उसको करना है साकार, ठीक है जी। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, 30 दिन का समय है, जल्दी से जग जाइए। मेरा वीडियो बनाने का आज का जो मकसद है वो था ही ये कि सर जो अभी तक सो रहे हैं उनको जगाने का, और जगना इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है, अभी नहीं तो कभी नहीं, दैट इज द सिचुएशन, ठीक है जी। क्योंकि सिलेबस वास्ट है सर, जीए की अगर मैं अपने आप में बात करूं तो वही बहुत बड़ा है ना, अपने आप में इतना वास्ट है। तो आपको ये देखना है कि कैसे क्या चीजें आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा है, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है अगर आपने तो सर लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी आपके डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में जो है सर आप मुझसे पूछ सकते हैं, डेफिनेटली जो है आपको आंसर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, बने रहिए टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जरा फड्डा के साथ।